के इलाकों में सायरन बजाकर लोगों को घरों से निकाला। गैस कंट्रोल करने के लिए दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने इस गैस रिसाव पर काबू पाया। इस दौरान क्लोरीन गैस के कारण दमकल के 3 कर्मचारियों की तबीयत भी बिगड़ गई, उन्हें अस्पताल भर्ती कराना पड़ा। जलदाय विभाग के मुताबिक हालात पर पूरी तरह से अब काबू पा लिया गया है, लेकिन ये गैस लीक कैसे हुई, किसकी लापरवाही रही इस पूरे मामले में, अब इस पर जांच चल रही है। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर अटेंडर से पूछा कि क्या हुआ है। अटेंडर ने बताया कि क्लोरीन लीकेज हुई है, तो मैंने देखा कि टर्नर, 2 टर्नर पड़े थे, उनमें से एक में से चेक करने के बाद पता लगा कि टर्नर से लीकेज हो रहा है, तो हमने BSF पहनकर उसको अटेंड करने के लिए अंदर गए और वहाँ पर देखा कि मेन वाल से लीकेज हो रहा है। खुले हुए थे और कुछ बदबू आ रही थी, पुलिस वालों ने हमें उठा कर के भैया बदबू आ रही है तुम उठ जाओ खड़े हो जाओ, सभी जो है सोए हुए थे जो उन्होंने हमें उठा दिया। किसने उठाया आके? पुलिस वालों ने। कितने बजे की बात है ये? 3:45 बजे की बात।